हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती है। यहां पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, लेटेस्ट करंट अफेयर के वीडियोज़ और आपको जो है एग्जाम्स के हिसाब से सिलेबस कवर करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी जीके की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। जो मैं आपको क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ उसके अंदर काफ़ी वीडियोस हैं। क्रैश कोर्स के अंदर आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, जो जनरल स्टडीज़ होती हैं, जनरल नॉलेज का आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगी। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन कीजिए क्रैश कोर्स के नाम से, वहाँ पर आपको जो है सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन उसको कैसे तैयार किया, आइडिया कहाँ से आया, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इसके अंदर। द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय एम एन रॉय। सीधी सी बात है कि जो एम एन रॉय ने आइडिया दिया था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो कौन थे, पोलिटिकल फिलोसफर थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया जो कि इंडिया की थी, सेटअप इन दिसंबर 1946, 1946 के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली ने इसके बारे में सोचा था कि हमें बनाना है। तो उसके चेयरमैन कौन थे, सचिदन सिन्हा। और अकॉर्डिंग विद द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत और सचिदन सिन्हा की चेयरमैनशिप में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। ऑन द डेमिस ऑफ सचिन सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेजिडेंट चुना गया। बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो इसमें से मान लो फर्स्ट पैराग्राफ में से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था, एम एन रॉय जी ने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान आपको पता होना चाहिए। सचिन सिन्हा जो है चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे और बी एन राव क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो इनमें से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछे गए हैं, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिए। नेक्स्ट, द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, 389 मेंबर्स थे। वेयर वर 93 वर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स। तो ये आप याद रखिए कि 389 तो मेंबर्स थे और 93 रिप्रेजेंटेटिव इंडियन स्टेट्स के, अदर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज बी आर अम्बेडकर। तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कैसे हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन नवंबर 8, 1949 कंटेन 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। प्रेजेंटली इट हैव 44 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो आप बस पहला ये याद रखिए कि जब शुरू हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1949 के अंदर, तो 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिकली पूछा जाता है। और इसको जो कॉन्स्टिट्यूट करने का टाइम कितना था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज इसको लगे थे कंप्लीट करने को कॉन्स्टिट्यूशन में। सम ऑफ द प्रोविजन एज दोज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविंशियल पार्लियामेंट एटसेट्रा वर गिवन इमीडिएट इफेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, नोन एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो कुछ जो चीज़ें थी, प्रोविंसेस थी, प्रोविजन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि पार्लियामेंट प्रोविजन, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, तो ये सब इमीडिएट इफेक्ट के अंदर आ गए थे 1949 में ही, लेकिन 1950 को जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, जबकि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पर। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिलेड टिल 26 जनवरी बिकॉज इन 1929 ऑन दिस डे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन अंडर जवाहरलाल नेहरू। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। इट वॉज डिजाइंड बाय पिंगली वेनकिया। तो फ्रेंड्स, अभी क्या ये जो मैंने पहला भी पढ़ के बताया आपको, ये अगर किसी ने हमारे जो हिस्ट्री के लेक्चर हैं इसी सीरीज के जिसने सुने हो, तीसरा या चौथा लेक्चर है, उनको बिल्कुल समझ में आ गया हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने उनको बताया था कि 1929 में हमने सबसे पहले पूर्ण स्वराज डिमांड किया था 26 जनवरी को, और उसी दिन उन्होंने क्या है रिपब्लिक डे रखा था। तो अभी मतलब इस तरह से थोड़ी सी रिलेशन बन जाता है हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर। और जब आप मतलब रिलेशन बनाना सीख गए तो आप यूपीएससी की तैयारी मतलब पूरी हो जाएगी आपकी। आप जो रिलेशन कर सकते हैं सब्जेक्ट में कि हाँ यार ये चीज़ मैंने हिस्ट्री में पढ़ी थी, पॉलिटी में भी आ गई है, अब इसका दोनों में कोई आपस में कोई लेना देना है, तो आप इस तरह से आंसर में मेन आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको समझ आ गया कि 26 जनवरी को हमने क्यों मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि 26 जनवरी को ही हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लागू किया, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लाहौर सेशन में डिमांड किया था पूर्ण स्वराज को। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था, और जो ये डिजाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप लोग याद रख लीजिए, क्वेश्चन उनसे बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रियम्बल, जिसको कि प्रस्तावना बोलते हैं। इट इज अ प्रेफरेंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। द इंटरप्रेट
परसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रेम्बल। तो ये उसकी स्पिरिट है प्रेम्बल की, मतलब स्पिरिट है प्रेम्बल की, और ये पार्ट नहीं है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी जाता है कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नहीं है, ये सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन देता है और आउटलाइन तैयार करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है सारा। पढ़ लीजिए इसके अंदर जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बता देता हूँ। द प्रेम्बल ऑफ स्टेट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सोवरन सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है तीनों में, एस 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 के अंदर, कि एस का क्या मतलब है, दूसरे एस का और तीसरे एस का। वहां पर आपको क्या दिया था, सोशलिस्ट सोवरन सेकुलर, मतलब आपको उनका ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले नंबर पर सोवरन, फिर सोशलिस्ट और फिर सेकुलर, फोर्थ नंबर पर डेमोक्रेटिक और फिफ्थ नंबर पर रिपब्लिक। तो आपको पता होना चाहिए, या फिर क्या लिखा होगा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा पहले नंबर पर सोवरन, दूसरे नंबर पर सेक्युलर, तीसरे नंबर पर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और ऐसे, मतलब पूछेगा कि इनका जो है फॉर्म इसको ऑर्डर में लगाओ। तो पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है। नेक्स्ट है जस्टिस, तो जस्टिस होनी चाहिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशंस बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फर्टर्निटी अज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम 26 जनवरी 1950 को अपने को ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवा रहे थे उस दिन। चलिए इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान से पढ़िए, और अभी आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। द आइडिया ऑफ प्रेम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो जो प्रेम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया था। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। द वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन जो वर्ड हैं कब ऐड किए गए थे, 42nd Amendment 1976 के अंदर। तो 1976 में 42nd Amendment हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, याद रख लीजिए। और नेक्स्ट है जो मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारा भारतीय संविधान, इसके मेन फीचर कौन से हैं। बल्कीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे मतलब बल्कीस्ट है, सबसे लंबा है, और हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, हम जहाँ चाहे अमेंड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो अमेंड नहीं भी हो सकती। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे पास गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, हमारे पास फेडरल सिस्टम है और हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं। फेडरल सिस्टम मतलब हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं लेकिन सेंटर हमारा एक ही, हम भारत के लोग हैं। तो हमारा इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी हमारी अलग काम करती है, और सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हम भारत के लोग हैं, और चाहे हम हरियाणा में रह रहे हैं, पंजाब, यूपी, एमपी, केरला, तमिलनाडु, नागालैंड, किसी भी स्टेट के अंदर, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। अब यूएसए के अंदर क्या होता है, अगर वो मान लीजिए किसी यूएसए के, तो वो लोग हैं ही, लेकिन उसके बाद जो उनकी आगे वो कौन सी आगे उनकी जो भी है वॉशिंगटन में है, वो कौन सी जो जितने भी उनकी स्टेट्स हैं, आगे स्टेट्स की सिटीजन उनको अलग से लेनी पड़ती है, न्यूयॉर्क के हैं या कहाँ के हैं वो। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें से जो हमने कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो वो याद रखिए कि हमने क्या चीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने कौन कौन से सोर्स यूज़ किए थे, और हमें भी याद रखना है। सबसे पहले है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम, उनसे क्या लिया हमने, नॉमिनल हेड जो कि प्रेसिडेंट है, वहाँ पे क्वीन होती है, यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट होता है, नॉमिनल हेड। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, और फ्रेंड्स ये जो सारे मैंने आपको बताए मेन फीचर्स, ये मैं आपको सारे करवाऊंगा इन लेक्चर्स के अंदर, कंप्लीट अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स और पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी हमने उधर से ली है, यूनाइटेड किंगडम से। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम से ली है हमने। बायकैमरल पार्लियामेंट, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोअर हाउस मोर पावरफुल है, अपर हाउस कम पावरफुल है। चलिए फ्रेंड्स आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लोअर हाउस कौन सा है, लोकसभा या राज्यसभा, और अपर हाउस कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे सा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीकर इन लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप और लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, नंबर वन नॉमिनल हेड, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लोअर हाउस मोर पावरफुल, बाइकैमरल एलिमेंट पार्लियामेंट, स्पीकर इन लोकसभा और सिंगल सिटीजनशिप, ये छह चीज़ें याद रखी जो हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। नेक्स्ट है यूएसए, यूएसए से हमने लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका रिटन था, हमने भी लिख दिया कि हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हम वहाँ से लेकर आए हैं, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस होता है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, और प्रेम्बल, प्रेम्बल तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फाइव ईयर प्लान, कंकरेंट, ओके। तो ये यहाँ तक ही जो हमने
यूएसए से लिया है, नेक्स्ट है यूएसएसआर से। यूएसएसआर से हमने दो चीजें ली हैं, 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं और फंडामेंटल ड्यूटी हमने यूएसएसआर से लिए हैं। चलिए, कोई यूएसएसआर की फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, और क्या अभी यूएसएसआर है या अब टूट चुका है तो आपको पता है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। ये मैं दूसरे लेक्चर में कवर करवा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताया था, उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। और आपको जो प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लीजिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वही नाम के प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सारे लेक्चर्स वहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है, कुछ सब्जेक्ट जो है, कुछ मैटर्स हमने स्टेट लिस्ट में डाले हुए हैं कि उसमें सिर्फ स्टेट जो लॉ बना सकता है, कुछ हमने सेंटर के लिए रखे हुए हैं और कुछ सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो सेम कोई भी लॉ है वो सेंटर ने भी बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया, तो जो सेंटर का लॉ है वही लागू होगा, वही मान्य होगा। और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, प्रोविंशियल रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। और नेक्स्ट है जापान से हमने क्या लिया फ्रेंड्स, लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, कि किस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगा। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट है वो भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, वो लागू नहीं होंगे, मान्य नहीं होंगे। कनाडा, कनाडा से हमने लिया स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हम हमारी जो 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरी हैं और उनके ऊपर एक ही हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये हमने कनाडा से लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, प्लेसिंग रीजनल पावर विद द सेंटर। तो नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, उन्होंने स्पेन से बोरो किए थे, आयरलैंड का खुद का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, प्रोपोर्शनल वोटिंग वाला मेथड है, वो हमने आयरलैंड से लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। और हम आगे जो करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ये चीज़ें। और पार्ट वन हम शुरू कर रहे हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके अंदर 4 आर्टिकल्स हैं जिसको कि आप अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया जो भारत है ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स उनकी एक यूनियन है। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट, हम नई स्टेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं और हम खत्म भी कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू अल्टर द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है वो पार्लियामेंट को इम्पावर करता है कि आप कोई भी नई स्टेट बना सकते हैं, स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेट को खत्म कर सकते हैं, स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया घटा सकते हैं। तो ये सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास ये पावर कहाँ से, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी। तो ये पार्ट एक के अंदर ये 3 चीज़ें हम डील करते हैं, आर्टिकल 1 से 4 है। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है। और नेक्स्ट है पार्ट 2, सिटीजनशिप। और फ्रेंड्स आप लोग नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक किया कीजिए, आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। तो देख लिया कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर, मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पर आपको काफ़ी जो है चीज़ें अपलोड कर दी जाती हैं। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11। तो सिटीजनशिप हम कैसे ले सकते हैं और कैसे हम सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं, 5 मेथड हैं सिटीजनशिप लेने के इंडिया के अंदर। बाय बर्थ, अगर आपका जन्म इंडिया में हो तो आपको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बाय डिसेंट, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं आप तो वहाँ मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन। तो ये 5 तरीकों से आप लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, गले को पता नहीं क्या हो गया। 3 मोड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, 3 तरह से आप सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं। रिनशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। आपकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है, रेनसिएट कर जाती है, डेप्रीवेट कर दिया जाता है आपको। तो ये 3 जगह से आप लोग जो है 3 तरह से सिटीजनशिप लूज हो सकती है, सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है। अब है हमारा पार्ट 3, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आर्टिकल 12 से 32 किस चीज़ से डील करते हैं, फंडामेंटल राइट से या फिर फंडामेंटल राइट से कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं। अब इसकी सब कैटेगरीज देख लीजिए। पहला है राइट टू इक्वालिटी, इसके अंदर आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग बराबर, चाहे कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा, सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही धर्म के नाम पर, ना ही जाति के नाम पर, ना ही उसकी जो लिंग के अनुसार या फिर उसका जन्म कहाँ पर हुआ, इस वजह से किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए।
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इस राइट टू इक्वलिटी के तहत ही जो SC ST या OBC की जो सारी वो रिजर्वेशन है वो इसके तहत की जाती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करना। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, तो टाइटल्स को खत्म करना, जो पहले टाइटल्स हुआ करते थे वो टाइटल्स खत्म कर दिए गए हैं, जैसे कि राजा ये टाइटल थे। तो अभी जो क्या है, अब जो मतलब कि एकेडमिक टाइटल्स चलते हैं, जैसे कि आर्मी में मेजर है, कैप्टन है, ये टाइटल्स चलते हैं, लेकिन राजा महाधिराज वो सारे टाइटल्स खत्म कर दिए गए अभी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, हम बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम कहीं पर भी मतलब पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। तो ये हमारी फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम 1921 तक। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, तो प्रोटेक्शन हो सकती है अगर आप ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हैं तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी शायद मैंने ये पॉइंट बोला है कि आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। तो आप पूछ, शायद आपके माइंड में किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा कि जब हम इकट्ठे होते हैं, कई बार लोग इकट्ठे होते हैं, तो पुलिस मतलब कि लाठीचार्ज क्यों कर देती है, या फिर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ देती है। फ्रेंड्स, उनको लगता है कि अभी जो पब्लिक है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, अभी पब्लिक कोई हंगामा कर सकती है, कोई तोड़फोड़ कर सकती है, आगजनी आग लगा सकती है, इसलिए वो थोड़ा सा मतलब होने से पहले उनको पता लग रहा होता है कि हाँ, क्योंकि पुलिस वालों के लोग वो भीड़ में भी घुसे होते हैं कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं, लोग अभी मतलब हावी होने वाले हैं तो कुछ गलत करने वाले, इसलिए वो पहले ही जो उसको भीड़ को भगा देती है। लेकिन अगर कोई पीसफुली असेंबल हुए हैं, पीसफुली प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको पुलिस कुछ नहीं कह सकती। ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी, इसलिए पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A स्टेट दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। ये राइट टू एजुकेशन हमारा आर्टिकल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट राइट है ये। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो आप किसी को, एक तो किसी से भीख नहीं मंगवाओगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करोगे, किसी से जानबूझकर छोटे बच्चों से काम नहीं करवाओगे, मतलब फोर्स लेबर नहीं करवाना चाहिए, छोटा बच्चा नहीं है, मतलब आप किसी को कैद करके काम नहीं करवाओगे। तो ये आर्टिकल 23 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। और नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, आर्टिकल 24, कि छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाना, लेबर में उनको नहीं मतलब एम्प्लॉय करवाना, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए भेजना है। तो ये कानूनी जुर्म भी है जो करते हैं लोग, आपने देखा होगा टीवी पर एड भी आती है काफी। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आर्टिकल 25 से 28। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, आप कोई भी धर्म मतलब अपना मान सकते हो, प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन जो मर्जी कीजिए, आपका धर्म है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं आपसे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को मतलब प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए टैक्सेस पे कर सकते हो। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो आप कुछ मतलब कि आप अपना, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई स्कूल्स मतलब कि अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, स्कूल्स में करवाए जाते हैं, मदरसे में वो अपनी लोकल जो है पढ़ाई करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के दौरान करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, की जो माइनॉरिटीज उनका इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना, आर्टिकल 29, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और राइट टू माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जो आपकी जो माइनॉरिटीज के लिए स्टैब्लिश करने इंस्टीट्यूशन और उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, ये आर्टिकल 30 के दौरान है, तहत है। तो ये आर्टिकल जो मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलने नहीं है, ये नोट डाउन करते हैं साथ में। किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप नीचे जो वीडियो दी गई है स्टडी मटेरियल की, उस पर देख के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मटेरियल आप लोग हमसे ले सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट इन द आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। तो जो आर्टिकल 19 के दौरान और आर्टिकल 21, ये दोनों सस्पेंड नहीं किए जा सकते नेशनल इमरजेंसी के दौरान, आर्टिकल 352 के दौरान, जो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 कभी सस्पेंड नहीं होते। सीधा क्वेश्चन आया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जाते, 1921। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 वॉज रिपील्ड बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड वॉज मेड एज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो जो पहले एक राइट होता था राइट टू प्रॉपर्टी, कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपका राइट है, वो आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के दौरान। तो एक ये याद रखिए कि 44th अमेंडमेंट कब हुई थी, 1978।
चलिए 47th अमेंडमेंट में क्या क्या चेंज हुए थे और ये कब हुई थी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही बताया इसी लेक्चर में। और राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल आइटम बना दिया गया आर्टिकल 300 के दौरान। चलिए फ्रेंड्स, कल हम करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आगे फिर टाइप ऑफ रिट्स। अभी मैं आपको पूरा जो है करवाऊंगा, सारी पॉलिटी कंप्लीट करवाई जाएगी, सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करवाई जाएंगी, जो सीरीज कंप्लीट की जाएगी आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। लेक्चर पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, अपने जो भी डाउट्स तो नीचे कमेंट किया कीजिए, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछा कीजिए, और पसंद आते तो उनको शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और हम जो कर रहे हैं कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, तो लोगों तक ये पहुंच सके, हमारा जो लेक्चर बनाने का जो है मोटो है पूरा हो सके कि हाँ लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।